भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में आजीविका सुरक्षा के लिए अकाष्ठ वनोपज एवं औषधीय और सुगंधित पौधों के मूल्य संवर्धन और विपणन पर 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। श्री एएस रावत आईएफएस महानिदेशक भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि एवं प्रोफेसर डॉक्टर तनेजा नेसारी सीईओ राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड और डॉक्टर एचएस गुप्ता पूर्व पीसीसीएफ झारखंड इस कार्यक्रम में सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। 2 दिवसीय के इस सम्मेलन में वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, वन विभाग के कर्मियों, औषधीय पादप बोर्ड के अधिकारियों, एनटीएफपी और औषधीय पादप हितधारकों सहित 150 से अधिक प्रतिभागी द्वारा ऑनलाइन मोड के माध्यम से भाग लिया। उद्घाटन कार्यक्रम में निदेशक टीएफआरआई डॉक्टर नितिन कुलकर्णी, श्रीमती नीलू सिंह समूह समन्वयक अनुसंधान, संस्थान के सभी प्रभाग अध्यक्ष, वैज्ञानिक एवं अधिकारी भी शामिल हुए। इस राष्ट्रीय सम्मेलन में अकाष्ठ वनोपज से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर कुल 132 सारांश प्रकाशित हुए एवं 38 पेपर और 44 पोस्टर भी प्रस्तुत किए गए। आयोजन सचिव डॉक्टर हरिओम सक्सेना ने औपचारिक धन्यवाद प्रस्ताव दिया और आयोजन का संचालन श्री अजिन शेखर द्वारा सफलतापूर्वक किया गया।